खुद को मुख्यमंत्री बनाए जाने के सवाल पर भाजपा के महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने कहा, मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री कौन बनेगा ये हमारा नेतृत्व तय करेगा। हम प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं और एमपी में हमारी सरकार बन रही है ये तय है। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने भाजपा के तीनों प्रत्याशियों चितरंगी से राधा सिंह, देवसर से राजेंद्र मेश्राम और सिंगरौली से राम निवास शाह के लिए वोट मांगे। कैलाश विजयवर्गीय ने भाजपा नेताओं के साथ रैली के रूप में शहर में कुछ दूर भ्रमण किया। कैलाश विजयवर्गीय ने कांग्रेस नेताओं दिग्विजय सिंह, सोनिया गांधी, राहुल गांधी पर आरोप लगाते हुए कहा कि ये लोग भगवान राम और रामायण को काल्पनिक कहा करते थे, अब मंदिर मंदिर घूमते फिर रहे हैं। अरे तुमने और तुम्हारी सोनिया आंटी ने 22 वकीलों को खड़ा किया था कोर्ट में और कहा था राम नाम का कोई व्यक्ति नहीं है, ये तो काल्पनिक है। रामचरितमानस काल्पनिक है, उपन्यास है ये। तुमने कहा कि नहीं कहा कोर्ट में? तुमने 70 साल के देश को लूटा है, बहुत पाप किया है। राम को राम नहीं माना, कृष्ण को कृष्ण नहीं माना, हनुमान को हनुमान नहीं माना। उन्होंने मध्यप्रदेश में भाजपा सरकार बनने की भविष्यवाणी की और अपने मुख्यमंत्री बनने के सवाल पर कहा कि ये हमारा नेतृत्व और विधायक दल तय करता है कि कौन बनेगा मुख्यमंत्री। राज्यों में चुनाव हो, पांचों राज्यों में भारतीय जनता पार्टी सरकार ने एक सरी की नीति रखी है कि कहीं पर भी स्थानीय व्यक्ति को आगे नहीं किया, सब दूर मोदी जी के नेतृत्व में चुनाव लड़े, ये हमारी पॉलिसी है। इससे आप कुछ भी गुना भाग लगाएं, पर भारतीय जनता पार्टी का चुनाव मोदी जी के नेतृत्व में लड़ा जा रहा है। जब बहुमत आएगा, विधायक दल की बैठक होगी, नेता चुनेंगे विधिवत, फिर पार्टी की हमारी संवैधानिक व्यवस्था है उसके अंदर पार्लियामेंट बोर्ड की बैठक होगी और उसमें नाम जाएगा और वो मुख्यमंत्री बनेगा। कौन बनेगा ये पार्टी के हमारे वरिष्ठ नेता और विधायक दल। इससे पूर्व भाजपा के तीनों प्रत्याशियों चितरंगी से राधा सिंह, देवसर राजेंद्र मेश्राम और सिंगरौली से राम निवास शाह ने अपने नामांकन दाखिल किए। प्रणाम करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। मुझे बहुत प्रसन्नता है इस बात की कि सारे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की लहर है। मैं जहां भी जा रहा हूँ सिर्फ एक ही बात है, भारतीय जनता पार्टी मोदी जी, शिवराज सिंह चौहान, गरीब कल्याण, महिला सशक्तिकरण, लाडली बहना, बेरोजगार नौजवानों को रोजगार, सिर्फ यही चर्चा सारे मध्य प्रदेश में है। और आने वाले समय में 2/3 बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।